गोविंद वल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा में महाराष्ट्रीय मूल के ब्राह्मण परिवार में हुआ। बुनियादी पढ़ाई के बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और बीए में गणित, राजनीति और अंग्रेजी साहित्य में शिक्षा ली। यहां उन्हें राजनीतिक चेतना से भरपूर वातावरण भी मिला। इस दौरान गोविंद वल्लभ पंत ने पढ़ाई के साथ साथ कांग्रेस के स्वयंसेवक के रूप में भी काम किया। 1907 में उन्होंने बीए और 1909 में कानून की डिग्री ली। 1910 में उन्होंने अल्मोड़ा आकर वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। दिसंबर 1921 को गोविंद वल्लभ पंत गांधी जी के आह्वान पर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। गोविंद वल्लभ पंत ने कुमाऊं में असहयोग आंदोलन की अगुवाई की। आजादी की लड़ाई के दौरान वो 7 वर्षों तक जेल में रहे। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड में लिप्त देशभक्तों के मुकदमे की पैरवी के लिए अन्य वकीलों के साथ पंत ने जी जान से सहयोग किया। उस समय वो नैनीताल से स्वराज पार्टी के टिकट पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी थे। 1927 में रामप्रसाद बिस्मिल और उनके 3 अन्य साथियों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ वायसराय को पत्र लिखा। 1928 के साइमन कमीशन के बहिष्कार और 1930 के नमक सत्याग्रह में भी उन्होंने भाग लिया और मई 1930 में देहरादून जेल भेजे गए। 17 जुलाई 1937 से लेकर 2 नवंबर 1939 तक वो ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत या अभी के उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। इसके बाद दोबारा उन्हें यही दायित्व सौंपा गया और वो 1 अप्रैल 1946 से 15 अगस्त 1947 तक संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री रहे। जब भारतवर्ष का अपना संविधान बन गया और संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया तो तीसरी बार फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। इस पद पर वो 26 जनवरी 1950 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक बने रहे। 10 जनवरी 1955 को पंत को देश का 4th गृह मंत्री बनाया गया, जिस पद पर वो 1961 में अपनी मृत्यु तक रहे। गृह मंत्री के रूप में उनका योगदान भारत को भाषा के अनुसार राज्यों में बांटना रहा। साथ में उन्हीं के कार्यकाल में हिंदी को भारत की राजभाषा का आधिकारिक दर्जा मिला। 7 मई 1961 को हृदयाघात से जूझते हुए गोविंद वल्लभ पंत की मृत्यु हो गई।